ज्यादातर इस तरह से टसल्स वाले जो हैं दुपट्टे होते हैं, हैवी होते हैं बॉर्डर। और यहाँ से मैंने इस तरह से जो है इस पिंस को अंदर डालना है और इसको बैक करके इस तरह से ये देखें बॉर्डर का ये हिस्सा खींचा जाएगा, तो आपने इस तरह से लूज करके यहाँ रखना है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से जो है अंदर की साइड से टाइट करके दुपट्टा सेटिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन होती है आप लोगों को कि दुपट्टा किस तरह से सेट किया जाए, तो सबसे पहले मैं आपको दुपट्टा जो है वो दिखा दूं कि हमारा दुपट्टा जो है वो बॉर्डर वाला है। ज्यादातर इस तरह से टसल्स वाले जो है दुपट्टे होते हैं हैवी होते हैं, बॉर्डर होता है इनका, ठीक है। तो उसको आपने कैसे लगाना है, सबसे पहले आपने जो है दोनों दुपट्टों के सिरे आपस में पकड़ लेने हैं अगर आपकी स्टाइलिंग इस तरह की है, ठीक है। अगर ओपन हेयर स्टाइलिंग है तो फिर आपका दुपट्टा आगे नहीं आएगा, आपका दुपट्टा पीछे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है दुपट्टे को बिल्कुल सेंटर से यहां से पकड़ना है, यहां से, ठीक है। अगर आपने दोनों बाजुओं के ऊपर दुपट्टा रखना है तो फिर आपका सेंटर जो है वो यहां पर होगा और यहां पर आपने इस तरह से जो है इसको आपने लगाना है, सेट ऑन करना है, आपका दुपट्टा यहां आएगा बिल्कुल। तो और साइड नीचे करें जरा ये इस जगह, ठीक है। इस क्योंकि इस जगह ताज है आपका, तो दुपट्टे को बैक पर ही रखेंगे। और इसकी पिंस जो है आपने इस तरह की पिंस अप्लाई करनी है, ये वाली जो आपकी पिंस होती है, ठीक है। और इस पिन को आपने जो है यहां पर ये दुपट्टा इस तरह से लग रहा है, लेकिन यहां इसकी खूबसूरती नहीं है, ठीक है। इसका दुपट्टा यहां पर ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहां पर। और यहां से मैंने इस तरह से जो है इस पिंस को अंदर डालना है और इसको बैक करके इस तरह से ये देखें पिन हमारी जाएगी और इसे मैं इस तरह से जो है वो अंदर कर दूंगी। ये हमारे दुपट्टे का बहुत अच्छा सा होल्ड करता है और ये हमारे दुपट्टे को फटने भी नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि इसके आगे ये बिल्कुल बॉल बने हुए हैं, तो इसलिए आपने आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब दूसरा आपने यहां पर आना है इस तरह से और इस जगह भी आपने दो दफा ऐसे घुमाना है, ठीक है। और आपका इस तरह से जो है वो पिन जाएगा अंदर और एक पिन आप इधर लगाएंगे, इस तरह, ठीक है। अब आप बैक साइड से जो है दुपट्टे को कैसे होल्ड करेंगे, ये आपका दुपट्टा आ गया है, ठीक है। थोड़ा पीछे करें, ये देखें कितनी अच्छी ग्रिप है इसकी। और अगर ये दुपट्टा बार बार पीछे की तरफ जा रहा है तो फिर आप यहां पर भी एक दो पिन लगाएंगी। उसका तरीका ये होगा कि आप ऐसे लेस जो आपकी है उसमें आप अपनी पिन डालेंगी इस तरह से और उसको आप ऐसे होल्ड कर देंगी। और यही आप इन दोनों सब जगहों पे भी जो है वो लगा सकती हैं। दिखाएं पिन खत्म हो गई है। अच्छा, दुपट्टे को आपने शोल्डर पे लगाना है इस तरह से। आप अगर ऐसे लगाएंगे तो आपका ये शोल्डर का ये हिस्सा खींचा जाएगा, तो आपने इस तरह से लूज करके यहां रखना है और यहां पर आपने अपनी जो है वो पिन लगानी है। पिन अब चाहें तो आप अंदर वाली साइड पर लगा लें, यहां पर आपकी पिन हो रही है एक और दूसरी पिन भी आपने इस तरह से जो है यहां पर शोल्डर के पास जो है लूज करके आपने जो है वो लगानी है। ठीक है, ये आपके शोल्डर के पास जो है वो बिल्कुल आपको इजी रहेगा, इस तरह से आपने कर लेना, ठीक है। अब ये आपका पीछे शोल्डर पर यहां आपने पिन लगा दी है। अब ये जो आपका दुपट्टे का पल्लू है इसको जो है मैं इस तरह से जो है इस तरह से फोल्ड कर लूंगी, ऐसे कोना एक बना लूंगी, ठीक है। और इसको मैं बाजू पर जो है मैंने इसको और इस दोनों बॉर्डर्स को जो है वो पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से जो है अंदर की साइड से टाइट करके पिन लगानी है कि ये घूमे नहीं, ठीक है। ये देखें, पल्लू भी लाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसको भी इस तरह से करके हम लोग और यहां से इस तरह जो है दिखाना पिन, टाइट करके तो यहां पर एक पिन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और बस मैं जरा खड़ा होकर चेक कर रहा है और ये इस स्टाइल में आपका जो है
दोनों बाजुओं पे आपका दुपट्टा आ गया है, क्योंकि इस मैक्सी के साथ ये स्टाइल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आपका नीचे भी बॉर्डर है ठीक है, तो फिर आप जो है बैक पर भी जो है वो पिन लगा देंगे। थोड़ा आगे आए, बैक करें, बैक पर यहां से आप, अगर आपको लग रहा है कि ये बॉर्डर आपका बहुत ज्यादा घन है, तो फिर 1 2 3 इस तरह से आप यहां उठाएंगे और यहां पे नेक के पास पिन लगा दें। ऐसे सर नीचे झुकाएं, ब्राइडल का सर नीचे झुकाएं और फिर आप यहां पर इसको पिन लगाएं ठीक है। अब ये देखें, अब आप गोल घूम के दिखाएं, दूर जाएं जरा थोड़ा सा। और ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के काम आएगा। और लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह।